वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का पहला वीडियो अपलोड किया गया था 13 अगस्त को। उस समय जो है उसके सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हुए थे और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की उसमें चर्चा किया। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट आए और अभी थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आए 9 फरवरी को। उसके बाद ये दूसरा वीडियो हम जो है अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें तीसरे क्वार्टर के जो रिजल्ट आए उनकी चर्चा और पिछले 3 दिनों में जो स्टॉक में जो मूव मिला हुआ है, एक रियूटर की खबर आई थी जिसमें जो कहा गया था कि जब बजट में वित्त मंत्री ने बोला कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा पीएसयू में स्टार्टिंग में 1 अप्रैल से जो वित्त वर्ष होगा उसमें, तो पहले भी उसकी खाली अफवाहें चल रही थी, अभी बजट में उसका कंफर्मेशन आ गया। उसके बाद फिर जो है वो रियूटर के हवाले से खबर है, सरकारी तौर पर उसका ना खंडन हुआ है और ना उसका सपोर्ट में कुछ हुआ है। उसमें का लिस्ट दिया गया है रियूटर की खबर में कि 4 बैंक हैं जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है सरकार ने पहले चरण में विनिवेश के लिए। बजट में जबकि 2 की बात किया कही गई है, इस न्यूज में 4 की बात कही गई है। तो उस दृष्टि से मार्केट ने उस चीज को कॉग्निजेंस लिया है और इसलिए इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में पिछले 3 दिन से आपको 20% का सर्किट देखने को मिला है। और बीच बीच में वो सर्किट खुलता भी है, ऐसा नहीं है कि वो लगातार लगा रहता है। तो इस प्रकार से इसके शेयर में जो भी जो पहला वीडियो था उस समय इसका जो प्राइस था 17-18 रुपए की रेंज में था, उसके बाद वो 11-12 रुपए की रेंज में काफी दिन तक ट्रेड किया। तो यदि किसी ने निवेश किया है उसमें एनालिसिस के बेसिस पे या इसमें जो प्रोस्पेक्टिव जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है उसके बेसिस पे, तो इसमें अभी जो भाव आ गया बहुत अट्रैक्टिव इसमें ऑलरेडी आ चुका है और अभी और भी जो है इसमें उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूएशन इनके हैं अभी भी वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और जो अभी वैल्यूएशन डिप्रेस थे उनका एक बड़ा कारण था एनपीए और जो इनिफिशेंसी। अगर डाइवेस्टमेंट होगा तो इनिफिशेंसी एंड एनपीए बोथ विल बी टेकन केयर ऑफ एंड उसके बाद जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी ऐसा उम्मीद करके चल सकते हैं और बहुत अच्छा वैल्यूएशन इनका मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा चर्चा किया कि सेंट्रल बैंक का जो शेयर प्राइस में 16 फरवरी को स्पॉट हुआ और स्पॉट इन वॉल्यूम हुआ और अपर सर्किट जो उसने हिट किया, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को बैंक को एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि आप क्लैरिफाई कीजिए स्पॉट इन वॉल्यूम क्यों हुआ, और बैंक ने जो है 17 फरवरी को जो है इसको रिप्लाई किया जिसमें कहा गया कि ये कुछ है नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, और खबर है तो उसको दिया जाएगा। तो दोनों चीज हुआ, जो वॉल्यूम है जो आमतौर पे 3-3.5 करोड़ शेयर था एवरेज पूरे महीने का, 1 महीने का, वो वॉल्यूम 17 तारीख को 20.81 करोड़ हुआ और उसके बाद जो 18 तारीख को वॉल्यूम जो है 16.17 करोड़ इतना वॉल्यूम एनएससी के ऊपर हुआ है, उसमें 5 करोड़ के करीब जो है डिलीवरी वॉल्यूम है, बाकी जो है स्पेकुलेटिव वॉल्यूम है। और दूसरा स्पॉटिंग प्राइस भी हुआ है 3 दिन लगातार अपर सर्किट 20% के क्लोज हुआ है 16, 17, 18, तो 60 उस तरह से कंपाउंडिंग के हिसाब से आप देखिए। तो ये खबर थी जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट कौन सा रहेगा। अकॉर्डिंग टू रिटर रिपोर्ट दीज 4 PSB हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन। ये सोर्स बेस्ड न्यूज है, गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई कंफर्मेशन है ना कोई डिनायल है। तो उन 4 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका अगर कुछ मेजर फैक्टर्स यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है तो सेंट्रल बैंक का जो है टायर 1 टायर 2 जो है 10.32 है, और जो है टायर 1 कैपिटल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी 10% है, बैंक ऑफ इंडिया का 9.44 है और इंडियन ओवरसीज बैंक का 8.82 है कम। उसके बाद ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा 16.3 है और सबसे कम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.69,
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दोनों है, मतलब कैपिटल अच्छा है और ग्रॉस एनपीए कम है। उसके अलावा डिपॉजिट में के हिसाब से अगर देखते हैं इसको, तो ये 3,23,000 करोड़ डिपॉजिट है इसमें, और जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,61,000 करोड़ है और बैंक ऑफ इंडिया में 6,11,000। तो बैंक ऑफ इंडिया इसके करीब डबल साइज की हो गई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके करीब आधे साइज की हुई, और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उससे ये करीब 1.5 गुनी 2,34,000 उसमें है। और एडवांस के मामले में भी उसी तरह की स्थिति बनती है, मगर मार्केट कैप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंडियन ओवरसीज बैंक से आधे से भी कम है। तो इस हिसाब से जो है मार्केट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इंडियन ओवरसीज बैंक का वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वैल्यूएशन कम है। तो इसमें वैल्यू है अभी भी, तीन सर्किट के बाद भी इसमें बहुत वैल्यू है इस तरह का, ये जो पैरामीटर्स है इनसे समझ में आता है। तो अभी हुआ ये कि मार्केट में स्पेकुलेशन था, जैसे ही बजट में चर्चा हो गई कि दो बैंकों का पिरामिडेशन होगा, दो बैंक कौन से होंगे इसको लेके तरह तरह की बातें मार्केट में चल रही थी। उसी बीच में जो है 15 फरवरी को रूटर ने एक रिपोर्ट, रूटर की रिपोर्ट सभी फाइनेंशियल पेपर्स में छपा है, मिंट हो या इकोनॉमिक टाइम्स हो वगैरह सब में छपा है। तो उसमें क्या बोला गया कि ये चार बैंक हो सकते हैं, जो ये नाम आपको यहाँ पे मिले हैं चारों बैंकों के, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो मनी कंट्रोल में जो उसमें छपा हुआ है, उसके बारे में प्रोस कॉन्स क्यों क्या लिखे हुए हैं कि चार बैंकों में क्या प्रोबेबिलिटी ओल्ड है, एक सबसे पुरानी है 1911 में बनी हुई है ये, बाकी जो बैंक जो है बात की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बात की है, बैंक ऑफ इंडिया भी उसके बात की है, और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो और इसकी जो 4,660 करीब ब्रांच है, 33,000 एम्प्लॉई है, मार्केट कैप 8,190, ये 2 दिन पहले का है क्योंकि ये मतलब 12 फरवरी का है, जो 15 फरवरी को न्यूज छपी है। उसके बाद इसने जो है जो प्रॉफिट है 166 करोड़ का Q3 में किया, लेकिन इसमें असेट क्वालिटी प्रेशर है, सबसे ज्यादा इसका असेट क्वालिटी खराब है, 16.6, ये सबसे इसका बहुत बड़ा निगेटिव चल रहा है अभी। अभी क्या देखेगा पोटेंशियल इन्वेस्टर, देखेगा कि एनपीए स्टॉक का अगर एड्रेस हो गया तो फिर ये बहुत अच्छा, अदरवाइज बायर विल इनहेरिट बिग चंक ऑफ टॉक्सिक असेट फॉर विच देर इज नो इजी सॉल्यूशन। तो अगर बैड बैंक बन गई तो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी, और जो है उस तरह से ये जो प्रॉब्लम इसकी है बड़ी, और वो जो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट करती है, वो चीज जो है टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, और ऐसा लगता है मार्केट को कि वो चीज हो जाएगी, तभी जो है ये प्राइस में स्पर्ट देखने को मिला है ऐसा लगता है। और गवर्नमेंट ने दूसरी क्या है कि जो यूनियन की अपोजिशन होती है उसके लिए पॉलिटिकल विंड बना रखी है, और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि वो यूनियन को जो है ये डाइवेस्टमेंट के लिए मना लेंगे। तो अभी चर्चा करते हैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट का, क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा कुछ खास अच्छा भी नहीं है और खास बुरा भी नहीं है ऐसा देखने में आता है। तो अगर कंपेरेटिवली जब देखते हैं तो थोड़ा सेकेंड क्वार्टर से जो है थर्ड क्वार्टर में डाउन ही है परफॉर्मेंस, तो 6,000 के ये 5,800 है और 700 ये करीब करीब बराबर है, और ये जो है ये डाउन है, टोटल इनकम हो गई डाउन हो गई, और ये एक्सपेंस करीब करीब सेम है, और ये प्रॉफिट जो है घट गया 3,466 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,199-1,200 करोड़ करीब हो गया है। प्रोविजन भी इन्होंने कम कर दिया, उसकी वजह से दे आर एबल, जिस बैंक ने जो रिपोर्ट किया है प्रॉफिट, बिकॉज ये प्रोविजन कम किया, शायद जरूरत नहीं था। लेकिन एनपीए दोनों भी हो, ग्रॉस हो 16% और या नेट हो 4.7%, दोनों भी बहुत ज्यादा हैं किसी भी स्टैंडर्ड से, वो एक जो चिंता का विषय बना हुआ है। अभी बाकी अदरवाइज परफॉर्मेंस में देखिए, नेट प्रॉफिट 155 155, कुछ खास बात नहीं है। निम 2.92 से 2.97, ये ठीक है, इंप्रूवमेंट अच्छा हो गया। और एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम ये जो है 2,200 करोड़ का ग्रोथ हुआ इसमें। प्रोविजन कवरेज रेशियो ने काफी बढ़ा दिया, 73 से 84 एक साल में, क्वार्टर टू ये YOY है डाटा पूरा, तो 73 से 84 तक आ गए हैं अभी, और ग्रॉस एनपीए भी 20 से 16, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, और नेट एनपीए में 9 से 4 पे आए हैं। तो बाकी आपको निम का देखिएगा, निम में तो फिर टॉपसी टर्वी भी चल रहा है, 3.35 इंप्रूव हुआ था, अभी फिर डाउन हो गया निम जो है, क्योंकि जो रीजन ऐसे ही लगता है कि उसमें इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो हुआ है डाउन हुए, उसकी वजह से दैट
कुड बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका बहुत ज्यादा है, ये तो 50 से कम होना चाहिए, अभी 60% है, ये भी बहुत गलत मतलब एक गड़बड़ वाला है पैरामीटर। और बाकी लिक्विडिटी वगैरह ठीक ठाक है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.28, कॉस्ट ऑफ एडवांस 7.01, क्रेडिट कॉस्ट और ये रिटर्न ऑन एसेट 0.19। उसके बाद आप डिपॉजिट्स में देखेंगे तो कासा परसेंटेज जो है ये इसमें एवरेज कासा दिया हुआ है, ये है 1,52,274 एवरेज है, और 1,53,55,000, जो 1,53,55,000 कुछ खास इसमें जो है ग्रोथ नहीं। टोटल डिपॉजिट में 3,23, 3,23,000 और से 3,23,000 ये भी कुछ खास नहीं है, 393, 319, 320। उसके बाद अगर आप देखते हैं कासा डिपॉजिट इन परसेंटेज टर्म जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो क्वार्टर YoY में 45% से 48%। कासा अच्छा है बैंक का, ये एक पॉजिटिव है। तो इसमें बड़े कम बड़े कंजर्वेटिव लोग इसमें जो है अकाउंट होल्डर है, और 48% कासा बहुत अच्छा है, और ये YoY 229 बेसिस पॉइंट जो है इम्प्रूवमेंट दिखाता है। फिर आप देखेंगे तो इसमें रैम डिपॉजिट जो है रैम का जो शेयर है वो 64% करीब चल रहा है, 64.66, 64.61, तो उससे आगे ग्रोथ करना थोड़ा सा परेशानी वाला है, काफी अच्छा 64% है एडवांस में। और रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME। उसके बाद आप प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए कैसे 73 से यहाँ इम्प्रूव किया, 77, 79, 84 तक जो है 5 क्वार्टर में ये हो गया है। स्लिपेज रेशियो भी जो है घट गया काफी, 0.07 अभी है। ग्रॉस एनपीए से स्लिपेज है 59 है, उसमें इंक्रीज एग्जिस्टिंग एनपीए मिलाकर जो है 16.3 एनपीए है, और किस तरह से घट रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर 19.996 में 3.926 से 4.73 दिसंबर 19 से दिसंबर 20 के बीच में। और उसका बाकी जो है ग्रॉस एडवांस बढ़े हैं उसके बाद भी ये घटती है घटाया है, तो उस तरीके से मगर बहुत बड़ा नंबर है अभी भी 16% जो है। NCLT अकाउंट्स के ऊपर जो प्रोविजनल कवरेज दिया हुआ है 96.88% दिया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट का 100, सेकंड लिस्ट का 94, थर्ड लिस्ट का 90, उसके अलावा बाकी 97, 96, ओवरऑल 96% है। कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो 12% के आसपास है, उसमें 10.32 टायर 1 है और 2.07 टायर 2 है, और टायर 2 में जो है रिड्यूस हो गया 14 BPS ऑन अकाउंट ऑफ ग्रैंडफादरिंग ऑफ 100 करोड़ बॉन्ड। परफॉर्मेंस को यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से क्वार्टरली और 9 मंथली और ये जो ग्रोथ दिखाया है तो वो उसमें भी जैसे आप ये पिछले क्वार्टर से देख लीजिए या तो इस थर्ड क्वार्टर पिछले साल की देख लीजिए, दोनों में जो डाउन है मोटा मोटी कुछ ना कुछ इसमें कुछ एक्सपेंस दिखाया, ये 180 करोड़ प्रोविजन किया वेज रिविजन का, तो वो एक यहाँ पे है निगेटिव। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ गया 2,000 का, 216 है ये, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, उसकी वजह से प्रोविजन कम किया तब जाके कहीं कुछ प्रॉफिट दिखा पाई, वो करीब 165 करोड़ का जो प्रॉफिट आया 9 मंथ में भी। ऐसा लगता है कि करीब करीब सेम ही सेम है, बहुत कुछ ऐसा प्रॉफिट भी उसी रेंज में है, कुछ इंक्रीजिंग नहीं है। प्रोविजन जो दिसंबर 20 में 1,027 करोड़ प्रोविजन किया है, पहले 1,200 किया था ये किया, तो मिला के जो है और उसका ब्रेकअप इधर दे दिया। डिजिटल में जो है ग्रोथ हो रही है, यूपीआई ट्रांजेक्शन से फॉर एग्जांपल 39% से 61% हो गया, तो उसमें से ब्रांच पे वर्कलोड कम होगा, और ब्रांच पे वर्कलोड कम होने से वो मैन पावर घटा सकते हैं या फिर ब्रांच कुछ कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ये दिया हुआ है जो IMPS और फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग दिया, बड़ा हिस्सा इसी का है, यूपीआई से ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये जो है पेमेंट एक्सेप्टेंस टच पॉइंट भीम आधार ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे। बिजनेस कोरस्पोंडेंट का इन्होंने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया था,
124 लाख से अभी वो 126 लाख के बीच में जून में बढ़ गया था, क्योंकि लॉकडाउन के तहत जो है उसका काफी प्रयोग किया गया है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो इनको डिपॉजिट मिला है, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो खोलते जा रहे हैं उनमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट है काफी, 3,785 करोड़ है, और जीरो बैलेंस अकाउंट 18 लाख के करीब है। और उनमें क्या है, ये पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है और ये दूसरी बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, सबको जो है काफी जो है इनका पैट्रोनेज जो है बढ़ रहा है, इससे उनको फीस इनकम के रूप में फायदा मिलेगा। शेयर होल्डिंग जो है सरकार का इसमें अभी घट गया, क्योंकि इनको कुछ पैसा इन्होंने जुटा लिया है तो इसके लिए थोड़ा डायल्यूशन हुआ, और 92.39 से 89.78% हो गया। और शेयर होल्डिंग में जहां तक सवाल है, इसमें खाली प्रेजेंट ऑफ इंडिया 18.7 है, उसके बाद जो बड़ा शेयर होल्डर एक LIC, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ऐसे शेयर में जिनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं था, बिकॉज दिस वर अनटचेबल टाइप ऑफ शेयर, तो उनमें यही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीदने जाएगा तो पब्लिक के पास है, फट से उसका बड़ा ऑर्डर आता है तो भाव जो है बढ़ जाता है। पिछले साल एक साल में जो शेयर का भाव आपने देखा है, तो ये जो है अभी जो भाव आज 24 रुपये मिला है, वो 24 रुपये भाव कब था, वो जून में था, जून 19 के बाद ये टच किया था, अक्टूबर में करीब जस्ट स्पाइक किया और उसके बाद फिर नीचे दन 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 नीचे चला गया मार्च में, और मार्च में जो आया वो 10 रुपये के आसपास आया, उसके बाद फिर हमारा वीडियो आया ये अगस्त महीने में, उसके बाद फिर से 10-11-12 रुपये की रेंज में काफी दिन चला, और फिर उसके बाद ये बढ़ा था, बीच में 15-16-17 गया था, फिर कट गया और अभी जो है 24 रुपये तक गया। अभी उम्मीद है कि और भी कुछ जाएगा। तो भारत सरकार जब निवेश करेगी, उनके पास 89.78% शेयर होल्डिंग इसका है, और 51% तक भी बेचेंगे तभी भी उनके पास जो है 38-39% करीब बच जाएगा, जैसे हिंदुस्तान, हमको लगता है कि जैसे हिंदुस्तान जिंक में जो मॉडल फॉलो किया, और क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के पास तो शेयर है ही नहीं, तो ओपन ऑफर का तो कुछ लगता नहीं कि ओपन ऑफर का कोई यहाँ पे वो रहेगा, मतलब रहेगा, तो इसमें जैसे जैसे वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट होगा तो बाद में हो सकता है सरकार को उसका अच्छा पैसा मिल जाए। ये हमने कंपैरिजन किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्चुअली जब पहला वीडियो बनाया था 13 अगस्त को उसका किस तरह का, से अभी के 18 फरवरी, 13 अगस्त से 18 फरवरी के बीच में कहां पे कितना एप्रिसिएशन मिला है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, आप देख लीजिए लास्ट कॉलम में जो गेन के बारे में दिया हुआ है, SBI में 105% मिला है और प्राइवेट सेक्टर में इंडसइंड बैंक में 101% मिला है। बाकी जो है IDBI बैंक प्राइवेट में ही आती है, वो PSU नहीं है, RBI ने डिक्लेयर कर दिया, पहले हमने इसको उसमें लिया हुआ था, तो उसी में सिर्फ एक माइनस है जो अभी डाउन है उसका प्राइस। और बाकी जब यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देखिएगा तो 33%, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा था, बाद में फिर घट गया, तो 33% है। यूको बैंक अभी नहीं बढ़ा है, ये कनाडा बैंक 64% बढ़ गया, बैंक ऑफ इंडिया 91% बढ़ गया, IOB 80% है, बैंक ऑफ बड़ौदा 98% है, यूनियन बैंक 38, PNB 31%, इस तरह के वैल्यूएशन इम्प्रूवमेंट हुए हैं, मतलब 80-90% तक हुए हैं, जबकि यहाँ पे प्राइवेट में उस समय से 40, जो बड़ी बड़ी बैंक थी ना, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में 45% के आसपास है, और ICICI और एक्सिस बैंक में करीब 70% के आसपास आपको मिला। बाकी जो छोटी मोटी बंधन बैंक हो गई और ये हिंदुस्तान यस बैंक में तो कुछ भी नहीं मिला, बंधन बैंक में करीब 18% है, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 60%, IDFC फर्स्ट बैंक 85%, फेडरल बैंक 60%। तो इनमें वही फेवरेट जो होती हैं, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छी है प्राइवेट में, जिसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिला है और आगे भी मिलेगा, और इसमें सेंट्रल बैंक का वीडियो है, सेंट्रल बैंक की चर्चा करते हैं। विद इन पीएसयू 27 जनवरी से 8 फरवरी 18 फरवरी के बीच में, मतलब आप देखिए सिर्फ 11 दिन का 11 और 20 21 दिन है 21 दिन के अंदर जो है 21 टोटल वर्किंग टोटल डेज है, उसमें वर्किंग डे कितना रहा, उसमें देखिए SBI 50% बढ़ा, जबकि ये जो है इंडियन ओवरसीज बैंक 82%, बैंक ऑफ इंडिया 90%, सेंट्रल बैंक 88% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 88%, पंजाब ओवरसीज बैंक 60%, तो सबको इन तो, और ये इन, इसका एक मेजर हिस्सा पिछले 3 दिन में ही आया। तो इस तरह का है PSU जो अनटचेबल थे, अभी ऑल ऑफ सडन दे हैव बिकम फेवरेट ऑफ मेनी मेनी। तो ये जानकारी था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में,
और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यदि आपको लगता है ये वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपके काम का है, आपके काम आएगा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है ट्विटर हैंडल हमारा BU72, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो से संबंधित पूरा जानकारी मिलेगा और आप जो उससे फायदा उठा सकते हैं। और कुछ क्वेरी है तो आप या तो ट्विटर में लिखिए हमको, या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर हम जो आपकी क्वेरी को रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।